हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएस क्लासेस। माय नेम इज़ शाइस्ता परवीन एंड यू आर वाचिंग एसएस क्लासेस। सो ऑल माय डियर स्टूडेंट, टुडे आई विल डिस्कस द बायोलॉजी। द नेम ऑफ चैप्टर इज़ इकोसिस्टम। तो उस दिन हम लोगों ने मतलब इकोसिस्टम क्या होता है ये तक देख लिया था। आज हम लोग देखेंगे कि हमारा जो इकोसिस्टम होता है उसमें कितने कंपोनेंट होता है, वो किससे मिलके बना होता है। तो भाई देखिए, इकोसिस्टम जो होता है, चाहे वो किसी भी तरीके का इकोसिस्टम होता है, टाइप ऑफ इकोसिस्टम हो सकते हैं, ठीक है, जैसे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, तो वो हर इकोसिस्टम सिर्फ और सिर्फ दो कंपोनेंट से मिलके बना होता है। वो दो कंपोनेंट होते हैं, अबायोटिक एंड बायोटिक। अब अबायोटिक क्या होता है और बायोटिक क्या होता है, बहुत ही सिंपल है बेटा। बायोटिक अबायोटिक मतलब, पहले हम लोग अबायोटिक देखते हैं। तो अबायोटिक मतलब होता है ऐसे सब्सटेंस, ठीक है, जिसमें नॉन लिविंग थिंग आते हैं, जैसे टेम्परेचर हो गया, या इट इज़ नॉन लिविंग कंपोनेंट लाइक टेम्परेचर, लाइट, वाटर, एयर, तो इसमें सारी नॉन लिविंग चीज़ें आएंगी, ठीक है। इसके बाद है बायोटिक, इसमें तो कुछ समझाना ही नहीं है, नॉन लिविंग आप लोग समझते हो, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है बायोटिक सब्सटेंस। तो बायोटिक में इंक्लूड्स होते हैं जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं वो सारे इंक्लूड होते हैं किस में, बायोटिक में। अब इनको भी डिवाइड किया गया है, जैसे हमने पहले पढ़ा था कि एबायोटिक कंपोनेंट, तो एबायोटिक कंपोनेंट्स में देखिए क्या क्या आता है। तो थ्री टाइप्स के होते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स भी। पहला होता है क्लाइमेटिक फैक्टर, दूसरा होता है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, फिर ऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो क्लाइमेटिक फैक्टर मेनली आता है, दीज इंक्लूड लाइट, टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, एयर करेंट, सॉइल टेक्सचर, सॉइल पीएच एक्सेट्रा। क्योंकि बेटा क्लाइमेटिक फैक्टर, जैसे कि आप लोग देखते हो कि अगर लाइट प्लांट्स को सही से नहीं मिलेगी, ठीक है, तो क्या होंगे, वो ठीक से ग्रो नहीं कर पाते हैं। टेम्परेचर अगर ज़्यादा होता है तो हम लोग नहीं रह, जैसे टेम्परेचर पर हमारा कितना इफेक्ट पड़ता है ना, टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो कितनी गर्मी लगती है, कितना ज़्यादा जो है प्यास वगैरह लगती है। प्रेशर पे भी इफेक्ट करता है, ह्यूमिडिटी जो होती है, जो नमी वाले इलाके होते हैं वहाँ पर पेड़ पौधे अच्छे से निकलते हैं। तो ये सारे फैक्टर जो है वो अफेक्ट करते हैं हमारे इकोसिस्टम को, ठीक है। तो ये कुछ कंपोनेंट हैं, करंट, एयर करंट, हवा का फ्लो कैसा हो रहा है वहाँ पर, सॉइल का टेक्सचर क्या है, मतलब सॉइल कैसी है वहाँ पर, जो है कलर भी हो सकता है, उसका कलर भी आ सकता है सॉइल का, जैसे ब्लैक सॉइल होती है, ठीक है, रेड सॉइल होती है, और नॉर्मल हमारी जो होती है मिट्टी, ठीक है, और सॉइल का पीएच वैल्यू कितना है, यानी कि उसका वो कितना एसिडिक है, कितना बेसिक है, ये सारी चीज़ें भी डिपेंड करती हैं हमारी एबायोटिक कंपोनेंट्स में। तो पहले हम लोग पढ़े थे क्लाइमेटिक फैक्टर में। तो क्लाइमेटिक फैक्टर में जब भी आप बात करेगा तो मौसम, क्लाइमेटिक, तो उसमें ये सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी, लाइट, टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, करंट, सॉइल टेक्सचर, बस आपको ये याद करना है। फिर है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो होते हैं मेनली, आप लोग जानते हो कि इसमें एलिमेंट आएंगे, एलिमेंट और थोड़े से इसमें जो है, इसमें मेनली एलिमेंट और हमारे क्या आएंगे, कंपाउंड आएंगे। तो दीज आर कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O। यहाँ पर देखो आप लोग, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, ये सारे तो एलिमेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है हमारा वो क्या है, हमारा कंपाउंड है। तो इसमें मेनली हमारे एलिमेंट और कंपाउंड आते हैं। तो कौन कौन से आते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में, याद कर लेना, कार्बन आता है, नाइट्रोजन आता है, सल्फर आता है, फास्फोरस, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O। फिर है हमारा ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ऑर्गेनिक सब्सटेंस हमारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसमें कंपाउंड आते हैं, लाइक प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एक्सेट्रा। एक और बात आपको ऑर्गेनिक सब्सटेंस के बारे में पता होगी कि हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को कंज्यूम नहीं कर सकते, बट ऑर्गेनिक सब्सटेंस को हम लोग कंज्यूम कर सकते हैं, ओके। फिर है हमारा बायोटिक कंपोनेंट। यहाँ तक हमारा जो है एबायोटिक कंपोनेंट खत्म हो गया, इसमें तीन टाइप के थे, तीन टाइप हम लोगों ने पढ़ लिए। अब हम लोग देखेंगे कि बायोटिक कंपोनेंट्स में क्या क्या आता है। तो देखो मेन आप लोग का है बायोटिक कंपोनेंट्स। तो बायोटिक कंपोनेंट जो होता है इकोसिस्टम का, वो हमारा आपको पता है किससे बना होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से। लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उसमें क्या आएंगे, प्लांट्स आएंगे, एनिमल्स आएंगे और माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएंगे। सबको पता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको अपने नेक्ड आई से हम लोग देख नहीं सकते, और जो हमारे इन्वायरमेंट को साफ सुथरा रखने में हेल्प करते हैं। यानी कहीं डेड बॉडी अगर पड़ी है, कहीं मरी हुई सड़ी गली चीज़ों पर ही रह करके, डेक एंड डिके मटेरियल पर रह करके सर्वाइव करते हैं, अंडरस्टैंड। सो ऑन द बेसिस ऑफ देयर न्यूट्रिशनल, यानी कि जो हमारा इकोसिस्टम है उसके न्यूट्रिशनल के बेसिस पे, रिलेशनशिप के बेसिस पे, जो है हमारा जो बायोटिक कंपोनेंट है उसको कैटेगराइज किया गया है मेनली तीन पार्ट में। एक होता है प्रोड्यूसर, एक होता है कंज्यूमर, एक होता है डीकम्पोजर। याद रख लेना, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डीकम्पोजर्स। सो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रोड्यूसर को, ठीक है। प्रोड्यूसर क्या होता है भाई, देखो प्रोड्यूसर की जब भी बात आए बेटा, तो आप लोग समझ जाना कि ग्रीन प्लांट्स की बात कर रहे हैं। क्योंकि इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में पूरे ग्रीन प्लांट के अलावा कोई और नहीं है जो अपना फूड खुद से प्रिपेयर कर सके, ठीक है।
सो मेनली प्रोड्यूसर में प्रोड्यूसर क्यों कहा गया उनको, क्योंकि वो खुद से प्रोड्यूस कर रहे हैं अपना फूड, अंडरस्टैंड. सो दे आर ग्रीन प्लांट्स, ये ग्रीन प्लांट्स होते हैं विच कंटेन ग्रीन पिगमेंट, जिनके अंदर एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको हम लोग बोलते क्या है, क्लोरोफिल, दैट इज़ कॉल्ड क्लोरोफिल. सो ऑर्गेनिज्म डैट कैन मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड्स, वो ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद से बनाते हैं फ्रॉम ऑर्गेनिक रॉ मटेरियल, जो भी उनको ऑर्गेनिक रॉ मटेरियल दिया गया है उसके थ्रू वो अपना फूड बनाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोड्यूसर या फिर ऑटोट्रॉप्स. अगर आप लोग को टेस्ट में आता है या एग्जाम में आता है ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं, तो आप लोग प्रोड्यूसर के बारे में ही लिखना है, कुछ डिफरेंस नहीं है. ऑटोट्रॉप प्रोड्यूसर भी बोला जाता है और ऑटोट्रॉप भी बोला जाता है, ठीक है. सो ग्रीन प्लांट जो होते हैं या फिर प्रोड्यूसर जो होते हैं, ये आप नोट्स हैं, आप लोग को इंपॉर्टेंट है तो मुझे लगा नोट करना चाहिए, कि जितने भी ग्रीन प्लांट्स और प्रोड्यूसर होते हैं डू नॉट प्रोड्यूस एनर्जी, वो एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करते, ठीक है. दे वनली कन्वर्ट सोलर एनर्जी, वो सिर्फ कन्वर्ट करते हैं, दे वनली कन्वर्ट सोलर एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी, ठीक है. यहाँ से मतलब मान लो कि घास फूस, अब ग्रीन प्लांट्स हैं, वो घास भी ग्रीन प्लांट्स हैं, तो उसको किसी ने खाया, मतलब मान लो खरगोश ने खा लिया, तो वो क्या करेगा, एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करेगा उसको, वो सोलर एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी केमिकल एनर्जी में फूड के. सो इन टर्म ऑफ एनर्जी ग्रीन प्लांट्स आर एक्चुअली कन्वर्ट ऑफ एनर्जी. तो मेनली हम लोग बात कर सकते हैं कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो एनर्जी का कन्वर्सेशन करते हैं, मतलब कन्वर्ट करते हैं एनर्जी को, ठीक है. सोलर एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं, केमिकल एनर्जी में. फिर बात आती है हमारी कंज्यूमर की, कंज्यूमर यानी कि हेटरोट्रॉप्स, कंज्यूमर को हम लोग हेटरोट्रॉप्स भी बोलते हैं. मेनली जो होते हैं कंज्यूमर या हेटरोट्रॉप्स, आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले भी, अगर नहीं पढ़ा है तो ठीक है, कि कैन नॉट बी सिंथेसिस देयर ओन फूड, ये अपना फूड खुद से नहीं बना सकते. इवनली हम लोग भी अपना फूड खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकते, हम लोग भी हेटरोट्रॉप्स ही हैं, हम लोग भी कंज्यूमर्स हैं, ठीक है, बिकॉज वी नॉट कंज्यूम आवर फूड, ठीक है, ओन फूड. सो ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, दीज आर मेनली एनिमल्स, बैक्टीरिया, फंजाई, देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज हेटरोट्रॉप्स, इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, मतलब ये किस तरीके से न्यूट्रिशन को लेते हैं, वो होता है हेटरोट्रॉप्स, ठीक है. दे ऑप्टेन देयर फूड फ्रॉम प्राइमरी प्रोड्यूसर एज प्लांट्स, हम लोग हैं या फिर जो कंज्यूमर हैं वो अपने फूड पे डिपेंड किसके तरह होगा, या तो प्रोड्यूसर को खाएंगे वो, या तो प्लांट्स को खाएंगे, या तो प्राइमरी प्रोड्यूसर को खाएंगे. प्राइमरी प्रोड्यूसर मतलब जो जो है प्लांट्स को खा रहे हैं, ऐसे एनिमल्स को खाएंगे, ठीक है. अभी आपको समझ में आएगा इसके आगे. देखिए कंज्यूमर जो होते हैं उसको भी 3 लेवल है, उनको भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है. कौन कौन से, प्राइमरी कंज्यूमर जिसको हम लोग बोलते हैं हार्बीवोर्स, क्या बोलते हैं, हार्बीवोर्स, यानी कि ऐसे एनिमल्स जो क्या करेंगे, जो कि पैरासिटिक प्लांट्स हो सकते हैं, जो फीड करेंगे डायरेक्टली ग्रीन प्लांट्स को, यानी कि ऐसे प्लांट्स या एनिमल्स जो फीड करेंगे डायरेक्टली ग्रीन प्लांट्स को, हरे पेड़ पौधों को, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, उनको हम लोग हार्बीवोर्स भी कह सकते हैं और प्राइमरी कंज्यूमर भी कह सकते हैं, ठीक है. सो उसमें मेनली हमारा ग्रास हॉपर आ जाता है, टिड्डा आ जाता है, काऊ आ जाता है, गोट आ जाता है, डियर आ जाती है, एलिफेंट आ जाता है, एट्सेट्रा, ठीक है. तो ये सारे हमारे एग्जांपल किसके हैं, प्राइमरी कंज्यूमर के. ओके, नेक्स्ट हमारा आता है सेकेंडरी कंज्यूमर. अब हम लोग बात करेंगे सेकेंडरी कंज्यूमर. तो सेकेंडरी कंज्यूमर में हमारा आता है कार्निवोर्स, कार्निवोर्स यानी कि फ्लैश खाने वाला, ठीक है, मांस को खाने वाला. सो दीज आर दोज एनिमल्स विच कैन फीड ऑन हर्बीवोर्स, ये वो एनिमल्स होते हैं जो किसको फीड कर रहे हैं, जो हर्बीवर्स को खा रहे हैं, यानी कि टिड्डे को खा लेंगे, स्मॉल फिश को खा लिया, फ्रॉग को खा लिया, ठीक है, लिजार्ड को खा लिया, बर्ड्स को खा लिया. तो ये मेनली जो है, मतलब इसमें मेनली स्मॉल फिशेज, फ्रॉग, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, एग्जाम्पल हैं ये सारे, ठीक है, उसमें टिड्डे को खा लिया, डियर को खा लिया, एलिफेंट को खा लिया, स्मॉल फिशेज हैं. तो ये सारे एग्जाम्पल हमारे हैं कार्निवोर्स के. ऐसे कोई भी एनिमल जो फीड करेंगे हार्बीवोर्स को, यानी जो घास फूस खाने वाले एनिमल्स हैं, उनको जो खा जाएंगे, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, उनको बोलेंगे सेकेंडरी कंज्यूमर या कार्निवोर्स. क्योंकि भाई ये प्लांट्स नहीं खा रहे हैं, ये क्या खा रहे हैं, दूसरे एनिमल्स को फीड कर रहे हैं. इसका एग्जांपल क्या है, स्मॉल फिशेस, फ्रॉग, लिजार्ड एंड बर्ड्स. आपने देखा होगा लिजार्ड भी क्या करती है, छोटे छोटे उसको खाती है, फतिंगे जो होते हैं जो लाइट में आते हैं ना, उनको बहुत खाती है. और जब बारिश के दिन होते तब तो लिजार्ड की दावत हो जाती है, हर जगह उसको कीट पतंगे दिखाई देते हैं, है ना. सो नेक्स्ट है हमारा टर्सरी कंज्यूमर. टर्सरी कंज्यूमर को हम लोग सेकेंडरी कार्निवोर्स भी कहते हैं, ठीक है, बिकॉज दीज आर दोज कार्निवोर्स डैट इट अपॉन कार्निवोर्स और सेकेंडरी कंज्यूमर. क्योंकि ये डिपेंड कर, ये हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर को खाते हैं, ये किसको खाते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर को खाते हैं, इसलिए इनको टर्सरी कंज्यूमर कहा जाता है और सेकेंडरी कार्निवोर्स कहा जाता है. जैसे भेड़िया, अब भेड़िया की बात करें तो भेड़िया जो है वो किसको खा लेगा, भेड़िया जो है वो डियर को भी खा सकता है, है ना, भेड़िया जो है वो स्मॉल फिश को भी खा सकता है, भेड़िया जो है वो लिजर्ड को भी खा सकता है, फ्रॉग को भी खा सकता है, बर्ड्स को भी खा सकता है. तो वो क्या हुआ, टर्सरी कंज्यूमर हुआ, है ना, क्योंकि वो क्या हो रहा है, वो सेकेंडरी कंज्यूमर को खा रहा है, सेकेंडरी कंज्यूमर को खा ले रहा है. वो सेकेंडरी कंज्यूमर में हमारे कौन कौन आ रहे हैं, स्मॉल फिश, फ्रॉग आ रहा है, लिजर्ड एंड बर्ड्स और भी एक्सेट्रा आएंगे, मैंने बस इतने ही लिखे हैं, ठीक है. सो अब देखते हैं क्वांटरी कंज्यूमर.
क्वाटरनरी कंज्यूमर को हम लोग बोलते हैं टॉप कार्निवोर्स। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, शॉर्ट में आता है वैसे कि टॉप कार्निवोर्स किसको बोलते हैं, तो टॉप कार्निवोर्स क्वाटरनरी कंज्यूमर को बोलते हैं, बिकॉज ये जो है किसी और एनिमल्स के द्वारा ना तो खाए जाते हैं ना तो मारे जाते हैं। जैसे हम लायन की बात करें, लायन जो है वो ना तो कोई और ऑर्गेनिज्म, ना तो कोई और एनिमल उसको खाएगा ना तो कोई उसको मारेगा, है ना। वो लायन लायन के बीच झगड़ा हो जाए वो अलग बात है, वो उसको काटे मारे, ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन कोई दूसरा एनिमल्स उसको ना तो मार सकता है ना तो खा सकता है। सो ऐसे एनिमल को हम लोग बोलते हैं टॉप कार्निवोर्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म में कौन कौन आते हैं, लायन आता है, ईगल आता है, पिकॉक आता है, एक्सेट्रा। आपने देखा होगा लायंस हो गया चाहे ईगल हो गया चाहे पिकॉक हो गया, इनको कोई और एनिमल्स जल्दी टच नहीं करता, ना तो किल्ड करेगा ना तो खाएगा, क्योंकि ये आते हैं हमारे टॉप कार्निवोर्स में, ठीक है, इनको कोई हाथ नहीं लगाएगा। अब हमारा आता है ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स आप लोग जानते हो क्या होते हैं, ऐसे एनिमल्स जो दोनों फीड करें, जो प्लांट्स को भी फीड करें खाएं और एनिमल्स को भी खाएं, उनको हम लोग बोलते हैं ओमनीवोर्स। मेनली इसमें एग्जांपल आता है क्रो, मैन, कॉकरोच, डॉग्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो इसमें तो कुछ समझाने वाली बात ही नहीं थी। अब आते हैं हम लोग डीकम्पोजर पे। डीकम्पोजर जो होते हैं वो आप लोग को मैं बताई थी पहले भी क्या, कि ये ऑप्टेन करते हैं अपना फूड और न्यूट्रिशन ब्रेकिंग डाउन रिमेन्स, मतलब जो भी इनमें बैक्टीरिया और फंजाई आते हैं, या कोई भी डेड डिकिंग मटेरियल, जैसे कोई बॉडी पड़ी हुई है कोई जानवर की मर गई, तो उसके ऊपर ही अटैक करते हैं, वहाँ से न्यूट्रिशन लेते हैं और उस न्यूट्रिशन को छोटे 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 टुकड़ों में ब्रेक डाउन करते हैं और फिर डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स में इनको खा जाते हैं। इसमें मेनली इंक्लूड्स होते हैं बैक्टीरिया एंड फंजाई। सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स पे नहीं, ये लोग प्लांट्स को भी खाएंगे, ठीक है। प्लांट्स पे भी जो डेड डिकिंग प्लांट्स होंगे, मटेरियल होंगे, उन सबको ये खा जाएंगे, डिकम्पोज कर जाएंगे, अंडरस्टैंड। अब हम लोग का जो आता है नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। हमारा जो इकोसिस्टम है उसका काम क्या है, वो क्या काम करता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा रॉन्ग हो गया था, ठीक है। तो पहला बात जो है, हमारा इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी देता है। प्रोडक्टिविटी मतलब रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर फूड बाई प्रोड्यूसर। ये प्रोड्यूसर के थ्रू क्या करता है, प्रोडक्शन करता है ऑर्गेनिक मैटर का। ऑर्गेनिक मैटर मैंने क्या बताया था आपको, ऑर्गेनिक मैटर जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे कुछ एलिमेंट भी हो सकते हैं, कंपाउंड भी हो सकते हैं, है ना, तो ये उनको निकालेगा। फिर है डिकम्पोजिशन और रिक्लेरिंग न्यूट्रिशन। ये क्या करेगा, जो ऑर्गेनिक मैटर होंगे उनको तोड़ेगा और जो हेल्प करेंगे डिकम्पोजर की, जो क्या करेंगे, हेल्प करेंगे डिकम्पोजर की। हमारा जो इन्वायरमेंट है वो, चाहे वो टेम्परेचर हो, चाहे वो लिविंग कंपोनेंट हो चाहे नॉन लिविंग कंपोनेंट हो, वो सारे मिल करके हमारा एक बनाते हैं, क्या बनाते हैं, एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाते हैं जहाँ पर कोई मैटर जो होता है वो डेड डिके हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। अगर ऐसा ना हो तो लाशों का अंबार हमारी धरती पर पड़ा रहे, ठीक है। फिर है ये दो फंक्शन आप लोग को याद करने लिए, पहला प्रोडक्टिविटी में हेल्प करता है, दूसरा डिकम्पोजिशन में हेल्प करता है, यानी कि छोटे छोटे पार्ट में तोड़ने में हेल्प करता है जो भी प्लांट्स वगैरह हैं या फिर जो भी ऑर्गेनिक मैटर है। सो आज की वीडियो में इतना ही, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एनर्जी लो फ्लो कैसे होती है इकोसिस्टम में, तो हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग।